उत्तराखंड में दो नेता आजकल बड़े चर्चाओं में हैं, दोनों ही कांग्रेस के हैं। एक हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और दूसरे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। दोनों के बीच प्यार भी है और तकरार भी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, जानेंगे उनसे कि कैसा है दोनों का रिश्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव में। सर, पहली बात, हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच की तकरार आखिर क्यों है? यदि आप केवल यही पूछने आए हैं तो आप निराश होंगे। मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ कि ज़रा 2016 और 2016 के बाद जो उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति बनी है, उस सब पर आप गौर करिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में मुझसे बेहतर तरीके से कारण आ जाएंगे, जो भी आप पूछना चाहते हैं। बाकी मुझे कोई टिप्पणी इस विषय में नहीं करनी। नहीं, हमारी बात हरक सिंह रावत जी से भी हुई। उनका कहना था कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन 2016 की बात को बार बार उठाते रहते हैं, वो जो जख्म भर रहे हैं उनको कुरेदते रहते हैं। मैं क्या करूं है साहब? कांग्रेस वापस आए 2024 में तो जख्म भर जाएंगे। अच्छा, कोई जख्म स्थायी नहीं रहता है और रहना नहीं चाहिए। 2024 में जख्म भर जाए और हम उत्तराखंड से 5 सीटें कांग्रेस को दे सकें तो उसके लिए काम करें, तो मिलकर के काम करें सब लोग। सब लोग, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जख्म अपने आप भर जाएंगे। रावत जी, उन्होंने एक बात और कही कि मुझे अगर पार्टी मौका हरिद्वार से देती है चुनाव लड़ने का, तो मैं पार्टी को काफ़ी अच्छा कुछ करके दिखा सकता हूँ। मैं भाजपा के कई लोगों को तोड़ के कांग्रेस में ला सकता हूँ और वहाँ से सीट जीत के दिखा सकता हूँ। गाहे बगाहे आवाज़ उठती रहती है कि हरीश रावत भी चुनाव लड़ना चाहते हैं हरिद्वार से, और हरक सिंह रावत भी लड़ना चाहते हैं। अब की जो तकरार है, कहीं वो उस लोकसभा सीट को लेकर तो नहीं है? नो कॉमेंट, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। रहा कुछ लोगों को लाने, जिन लोगों को लोग ले करके गए हैं, यदि वही लोग वापस आ जाएं बानगी के तौर पर, तो फिर आगे की बात देखेंगे। अच्छा हरीश रावत जी, ये तो रही आप लोगों की आपस की तकरार की बात, अब करें सरकार की बात। सरकार में लोकायुक्त को लेकर के काफ़ी समय से खींचतान जारी है, हाईकोर्ट भी कह चुका है, लेकिन लोकायुक्त सशक्त रूप से उत्तराखंड में नहीं आ पा रहा है। उसको लेके राज्य सरकार के लिए क्या कहेंगे? ये तो राज्य सरकार का जानबूझ कर उत्तराखंड की भावना और राष्ट्रीय भावना की अवहेलना करके वो लोकायुक्त को नकार रहे हैं। हमने तो 2015-16 में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लोकायुक्त दे दिया था। लोकायुक्त की पूरी बेंच दे दी थी जो है, जिसमें लीजर अपोशन और के भी दस्तखत थे और हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में वो सब फैसले हुए थे। मगर राष्ट्रपति शासन के बाद गवर्नर के ऊपर केंद्र सरकार हावी हो गई और गवर्नर महोदय पहले फाइल को दबाए रखे और बाद में एकाध उसके साथ क्वेरीज लगा करके भिजवा दी। फिर हमने वापस की क्वेरीज के साथ, तब से गवर्नर महोदय बैठे हुए हैं। सक्सेसिव गवर्नर आए गए लेकिन उस फाइल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो फाइल जिस दिन निकाल लेंगे लोकायुक्त तो जो है एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। यदि आज जो है जनरल गवर्नर यदि ये निर्णय करें कि लोकायुक्त तो मिलना है, तो एक हफ्ते के अंदर लोकायुक्त उत्तराखंड को मिल जाएगा। सिर्फ दोनों को राजी होना है, श्री धामी और श्री लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को। दोनों लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आपके समय में आपने क्यों नहीं किया? उनका यह कहना है कि लगातार राजनीति की बात तो की जाती है, लेकिन जब आपका मौका था आपने क्यों नहीं किया? मैंने तो चयन कर दिया, हम और क्या कर सकते थे।
चयन कर दिया और सर्वसम्मति से किया। लीजर अपोशन के भी दस्तखत थे उस प्रस्ताव पे, उसमें जो नियमानुसार होता है हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज के उपस्थिति में वो सब फैसले हुए हैं। सारी कानून जो हमने हमारी सरकारों ने बनाए थे उसकी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया है, और गवर्नर के वहाँ से जो क्वेरी आई थी हमने उसका जवाब भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद गवर्नर महोदय बैठ गए और तो बाद में सत्ता परिवर्तन हो गया। सत्ता परिवर्तन के बाद भी हमने सोचा शायद भारतीय जनता पार्टी की मोहर के साथ आएगा लोकायुक्त, तब भी लोकायुक्त नहीं आया, बाहर नहीं आ सका। तो इसमें राजनीति क्या है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। मैं तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ये है कि यदि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी चाहें तो एक हफ्ते के अंदर लोकायुक्त इस राज्य को मिल जाएगा। लोकायुक्त आए ना आए, लेकिन UCC तो आ ही रहा है प्रदेश में। मुख्यमंत्री इस देश का पहला ऐसा राज्य बनाने वाले हैं उत्तराखंड को, जहाँ पे जो है लोग UCC को लागू करने वाले हैं। तमाम तरह की कमेटियाँ बन गई हैं, रिपोर्ट बन रही है, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, कानून बहुत साफ है कि केंद्र सरकार यदि कंकरेंट लिस्ट पर, समवर्ती सूची पर कानून बनाती है तो राज्य का कानून इंफेक्शियस हो जाएगा, बेमानी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकायुक्त UCC का मामला लॉ कमीशन को सौंप दिया है, उनसे कहा है कि आप बातचीत करो, और उन्होंने क्वेश्चनर जारी किया है और उसके विषय में प्रक्रिया आ गई है। तो यदि केंद्र का कानून बनना है तो फिर राज्य के कानून का तो कोई ऐसे भी महत्व नहीं है। और राज्य सरकार की स्थिति तो आज यह है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना केंद्र सरकार का विषय है, और धामी जी जो हैं लोग कह रहे हैं महाराज कुछ रोज़गार दो, कब परीक्षाएं होंगी, धामी जी कह रहे हैं UCC और लोग कह रहे हैं हमारी सड़कें ठीक कर दो, वो कह रहे हैं कॉमन सिविल कोर्ट, लोग कह रहे हैं धामी जी इतनी बड़ी आपदा आ गई हमारी सहायता करो, वो कह रहे हैं UCC, लोग कह रहे हैं हमारे खेतों में पानी भर गया और हमको आर्थिक मदद दीजिए, कैसे ये फसल भी चौपट हो गई, अगली फसल भी चौपट हो गई, वो UCC, लोग कह रहे हैं सड़कें सारी और नालियां सब भरी पड़ी हैं, ज़रा सा बारिश आ रही है तो सड़क सारी जिंदगी नरक हो जा रही है, तो वो कह रहे हैं UCC। तो ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ का श्री धामी के पास एक ही जवाब है। तो मल्टीटास्किंग चीफ मिनिस्टर होता है, सिंगल लाइन चीफ मिनिस्टर थोड़े होता है, वो तो सिंगल लाइन चीफ मिनिस्टर की तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे केवल बच्चे को किसी को जो है अवा 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 पढ़ाया हो और पिताजी पूछे क ख क ग ABCD इत्यादि और वो कहें अवा 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 अवा, तो वो तो UCC कह रहे हैं। धामी जी ने पूरे प्रदेश की कई सौ एकड़ भूमि जो अतिक्रमण में थी वो मुक्त करा दी। धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों के रोजगार के लिए, आप कह रहे हैं UCC। ये और पाप किसको उठा रहे हैं, जो लोग गरीब अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, ठेली रेहड़ी पटरी वालों को उनको कर रहे हैं, जिनको विभागों ने बसाया है, रामनगर के अंदर वन विभाग के बसाए हुए लोग हैं, बिना उनकी सहमति तो नहीं बसे थे। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, म्यूनिसपैलिटीज़ की सहमति से बसे हैं, चालान कटे हुए हैं लोगों के, उन सबको अतिक्रमणकारी एक उसे पेंट कर दिया गया है। सरकार का दायित्व होता है कि गरीब को कहीं, यदि मान लिया आपको हटाना भी है तो उनको विस्थापित करिए, आपके राज्य की जनता है वो, आप उनको ऐसा थोड़ी है कि बुलडोजर से उखाड़ करके फेंक देंगे। अच्छा रावत जी, एक आखिरी सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, हरीश रावत जी की सीट को लेकर पहले से चर्चाएं चलती रहती हैं, आज स्पष्ट कर दीजिए आप चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे और कहाँ से आपको पार्टी लड़ाना चाहती है? अभी मुहूर्त आ गया, जब मुहूर्त आएगा और फिर हमारे वहाँ हम थोड़ी स्पष्ट करते हैं, हमारी केंद्रीय नेतृत्व तो करता है स्पष्ट, जो है
यदि आज भी इतने 55 साल की सेवा के बाद भी, एक निष्ठा के बावजूद भी जो है एक जगह पर खड़ा हूँ, तब भी यदि जो है मुझे को स्पष्ट करना है तो फिर तो मेरी इतने साल की निष्ठा जो है धूल में चले, धूल दूषित हो। उत्तराखंड में कांग्रेस का मतलब तो हरीश रावत ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और यहाँ तो दर्जनों रावत ही हैं और फिर कई लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कभी इस गलतफहमी में ना, हाँ, इतनी बड़ी कांग्रेस का एक सिपाही में भी हूँ, एक कार्यकर्ता में भी। चलिए, हरीश रावत जी से सवालों के जवाब ले पाना बहुत ही मुश्किल है। हरीश रावत जी का साफ तौर पे कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन ये पार्टी डिसाइड करेगी कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल कई आरोप उन्होंने भी सरकार पर लगाए हैं, अब देखते हैं इसका जवाब धामी जी किस तरह से देते हैं। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।